हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा आज का चैप्टर है मार्को पोलो। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मार्को पोलो कौन था और उसके जीवन में क्या घटनाएं घटी। ओके, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ हार्ड एंड डेंजरस इट वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर 600 or 700 ईयर्स अगो। अब 600-700 साल पहले ये कल्पना करना ही मुश्किल है कि लोग एक देश से दूसरे देश में जाते थे, यात्रा करते थे, तो वो कितना मुश्किल और खतरनाक था। Men had to travel mainly by overland routes. They had to move slowly as and when they got the chance. Villages and towns were far apart. देखो, उस समय कोई प्रोग्रेस नहीं थी, तो उस समय जो विलेज टाउन थे वो दूर दूर थे और लोग बहुत कम इस तरह की यात्रा पे जाते थे। Many persons died on the way for lack of food and water. People had to travel with large parties or caravans as they were called. Otherwise they could get lost. देखो, तो जो लोग हैं वो रास्ते में ही भूख और प्यास से मारे जाते थे, और ऐसी यात्रा पे लोग अकेले नहीं जाते थे, वो एक कंपनी बना के, एक पार्टी बना के, जिसको कारवा बोला जाता है, उसमें जाते थे, नहीं तो वो रास्ते में खो सकते थे। बैंड्स ऑफ रोवर्स न्यू द रूट टू, दे अटैक्ट कारवांस एंड लूटेड देम। जो लुटेरों के गैंग थे वो भी इन रस्तों के बारे में जानते थे, तो क्या करते थे कि ऐसे कारवां जिसमें यात्री जा रहे हैं उन पे आक्रमण करते और उनको लूट लेते थे। मैनी ट्रेवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग दैट टुक प्लेस, तो ऐसी लड़ाइयों में बहुत से यात्री मारे जाते थे। अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थर्स्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे, और जो बाकी बचते थे वो भूख और प्यास के कारण मारे जाते थे, क्योंकि जब उनसे सारा कुछ लूट लिया जाता था तो उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं बचता था। ट्रेवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज दैट हार्डली एनीवन हु वेंट फॉर अ लॉन्ग जर्नी वॉज नॉट श्योर ऑफ गेटिंग बैक टू होम अलाइव। उन दिनों में यात्राएं इतनी खतरनाक थी कि जो कोई भी इस तरह की जर्नी पे जाता था उसको ये उम्मीद बहुत कम होती थी कि वो जिंदा वापस घर पहुंच जाएगा, वापस आ जाएगा। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज विच लेट देम इन टू स्ट्रेंज लैंड्स एंड समटाइम्स टुक ईयर टू कम्प्लीट। सिर्फ बहुत ही साहसी लोग ऐसी यात्राओं पे जाते थे और वो इन यात्राओं के द्वारा एक अलग दुनिया में पहुंच जाते थे, स्ट्रेंज लैंड में जाते थे, और कई बार उनको ऐसी यात्राओं को कम्प्लीट करने में कई साल लग जाते थे। इन द 13th सेंचुरी यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। 13वीं शताब्दी में यूरोप ने ईस्ट के साथ, पूर्व के साथ अपने व्यापार को बहुत महत्व दिया। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स। उस समय भारत और चीन को इतना ज्यादा अमीर समझा जाता था कि जितना कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। स्पाइसेस फ्रॉम द आईलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। तो जो साउथ ईस्ट एशिया से मसाले आते थे उनको यूरोप में बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता था, जिससे उनको बहुत प्रॉफिट मिलता था। मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो एक यंग मैन था जो कि वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट्स, वो अमीर व्यापारियों के एक परिवार से संबंध रखता था। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट इन यूरोप। जो वेनिस शहर था वो यूरोप में ईस्ट के साथ व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक केंद्र था। इन 1271 17 ईयर ओल्ड मार्को पोलो स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू चाइना देन नोन एज कैथे विद निकोलो पोलो हिज फादर एंड मार्को पोलो हिज अंकल। 1271 में जब मार्को पोलो 17 साल का था तो उसने चीन की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट की। चीन को उस समय कैथे नाम से जाना जाता था, और मार्को पोलो के साथ उनके फादर निकोलो पोलो और उनके अंकल मार्को पोलो भी थे। दे ट्रेवल्ड फ्रॉम वेनिस टू एशिया माइनर देन क्रॉस द ब्लैक सी इनटू द क्रीमिया। फ्रॉम देयर दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्शिया एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड्स ऑफ पामीस देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच्ड पेकिंग। द जर्नी टुक 4 ईयर्स। तो जब वो वहां से चले उसके बाद उन्होंने यात्रा करते हुए पहले वो एशिया माइनर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने ब्लैक सी क्रॉस किया, फिर वो यात्रा करते हुए मरुस्थल क्रॉस करते हुए पर्शिया अफगानिस्तान का पामीर तक पहुंचे, बाद में उन्होंने गोभी मरुस्थल क्रॉस किया और एट लास्ट वो पैकिंग पहुंच गए। और इस पूरी यात्रा को 4 साल लगे, मीन्स की वेनिस से चल के पैकिंग पहुंचने तक उनको 4 साल का समय लगा। टू अस दिस सीम्स अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी। हमारे लिए एक यात्रा के लिए एक बहुत
लंबा समय प्रतीत होता है, बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट देमसेल्व्स लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। लेकिन उस समय के लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने को सौभाग्य मानते थे, भाग्यशाली मानते थे अपने आप को। देयर वर मैनी केसेस ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव्स, क्योंकि उस समय इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी कि यात्रियों को या तो रस्ते में मार दिया जाता था या उनको पकड़ लिया जाता था और दास बना के बेच दिया जाता था। इसलिए अगर कोई सही सलामत अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है तो उसको भाग्यशाली माना जाता था। द पोलोस वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, अ ग्रैंड सन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर चंगेज खान। ही वॉज द रूलर ऑफ द वर्स्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल एट पैकिंग। तो वो पैकिंग में जब पहुंचते हैं तो वहां पे वो कुबलाई खान के दरबार में गए। कुबलाई खान कौन था? जो मंगोल शासक था चंगेज खान, उसका वो ग्रैंड सन था और वो एक बड़े राज्य का शासक था जिसकी राजधानी थी पैकिंग। कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। निकोलो एंड माफियो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम इयर्स अगो एंड वर नोन टू द एम्परर। कुबलाई खान ने उन यात्रियों का बहुत दयालुता से स्वागत किया। निकोलो और माफियो पहले भी चाइना की तरफ कुछ साल पहले जा चुके थे और वो राजा उनको जानता था। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। द एम्परर वॉज सो प्लीज विद हिम दैट ही टुक हिम इन टू हिज सर्विस। तो जो मार्को पोलो था उसने मंगोल लैंग्वेज सीख ली और वो शासक उससे बहुत खुश था तो उसने उसको अपनी सेवा में रख लिया। ही ट्रस्टेड मार्को पोलो ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ। जो कुबलाई खान था वो मार्को पोलो पे बहुत ट्रस्ट करता था तो उसने अपनी तरफ से उसको बहुत दूर दूर की जगहों पर भेजा। वन ट्रिप वॉज मेड इन 1287 टू बर्मा एंड अनदर समटाइम लेटर टू सिलोन। तो एक बार तो उसने 1287 में बर्मा भेजा गया उसको और एक बार श्रीलंका भेजा गया। द ट्रिप टू सिलोन वॉज अंडरटेकन टू ब्रिंग द सेक्रेट टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। सिलोन की यात्रा भगवान बुद्ध का पवित्र दांत एम्परर को देने के लिए की गई थी। लेटर मार्को वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। उसके बाद मार्को को एक महत्वपूर्ण शहर का गवर्नर बना दिया गया। इन 1290 15 ईयर्स आफ्टर कमिंग टू पैकिंग मार्को पोलो आस्क्ड एम्परर्स परमिशन टू गो बैक होम। पैकिंग आए हुए जब उसको 15 वर्ष हो गए तो 1290 में मार्को पोलो ने एम्परर से घर वापस जाने की परमिशन मांगी, बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उसको ये परमिशन नहीं दी। अ लकी चांस हैवर हेल्प्ड हिम। लेकिन एक लकी चांस उसको अपनी घर वापसी के लिए मिल गया। क्या चांस था वो? द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई फैमिली हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू अर्गुन। तो उस समय क्या हुआ था कि कुबलाई के परिवार से एक राजकुमारी की शादी मार्को पोलो के ग्रैंड नेफ्यू से अरेंज की गई। क्या नाम था उसके ग्रैंड नेफ्यू का? अर्गुन, द वायसराय ऑफ पर्शिया, जो पर्शिया का वायसराय था। अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्शियन नॉवल्स टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड द लेडी कोकाचिन टू पर्शिया फॉर द मैरिज। तो अर्गुन ने अपने कुछ खास लोग इस मैटर को अरेंज करने के लिए भेजे और ताकि वो अपने साथ ब्राइड को, दुल्हन को लेके आ सके। दुल्हन का क्या नाम था? लेडी कोकाचिन। Now that the noblemen were due to return with the bride, they were afraid of the dangers and risk of the journey. अब जो noblemen है वो दुल्हन को लेके जब वापिस जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनको यात्रा के जो खतरे हैं उनके बारे में डर था। उनको पता था कि यात्रा में बहुत सी मुश्किलें सामने आएंगी। They wanted to take some trusted and experienced travelers with them as guide. वो चाहते थे कि कोई विश्वसनीय और अनुभवी यात्री उनके साथ एज ए गाइड जाए। सो दे रिक्वेस्टेड कुबलाई खान टू लो द पोलोस टू गो विद देयर पार्टी। तो वो कुबलाई खान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इन पोलोस को, जो उसके फादर है, अंकल है, मार्को पोलो है, इनको उनकी पार्टी के साथ भेज दें। कुबलाई खान हैड एग्री बट ही मेड मार्को प्रोमिस दैट ही वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी। तो कुबलाई खान ये बात मान लेते हैं, लेकिन वो मार्को से ये प्रॉमिस लेता है कि यात्रा के बाद जल्दी वापस आ जाएगा। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी बट ट्रबल्स बिगेन सून आफ्टर द जर्नी स्टार्टेड। तो उन्होंने
समुद्री रास्ते से यात्रा करने का निश्चय किया, लेकिन यात्रा शुरू होते ही उनकी मुश्किलें शुरू हो गई। विंड कैरीड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। तो जो हवा का भाव है उनको इंडो चाइना की तरफ ले गया और फिर सुमात्रा की तरफ ले गया। दे वर डिलेड देयर फॉर मैनी मंथ्स, और वो कई महीने अपनी इस यात्रा में लेट हो गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ सेलिंग दे रीच सिलोन एंड टच्ड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच्ड पर्शिया। फिर कई महीनों के बाद वो यात्रा करते हुए सिलोन पहुंचे, इंडिया के पास से गुजरे, ईस्ट अफ्रीका होते हुए वो पर्शिया पहुंचे। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड, बट टू ऑफ द थ्री पर्शियन नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड द जर्नी विद हर डाइड ऑन द वे। तो जो प्रिंसेस है, राजकुमारी है, वो तो बिल्कुल सेफ पहुंच गई, लेकिन जो उनके साथ तीन पर्शियन नोबलमैन थे उनमें से दो मारे जा चुके थे इस जर्नी के दौरान। वट वॉज वर्स, अर्गुन हिमसेल्फ डाइड समटाइम्स बिफोर द पार्टी रीच्ड पर्शिया। जो अर्गुन है जिसके साथ उसकी मैरिज होनी थी, वो स्वयं भी पर्शिया पहुंचने से कुछ समय पहले मारा गया। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स न्यूज केम दैट कुबलई खान वॉज ऑल्सो डेड। उसके कुछ समय बाद न्यूज आई कि कुबलई खान की भी डेथ हो चुकी है। देर वॉज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पैकिंग एज ही हैड प्रोमिस्ड। तो अब मार्को पोलो को वापस पैकिंग जाने की कोई जरूरत नहीं थी जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। हिज फादर एंड अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच। अब मार्को पोलो, उसके फादर और अंकल बहुत अमीर हो चुके थे। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295। अब वो वेनिस वापस आते हैं कब, 1295 में। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर्स। तो उन्होंने 24 वर्ष अपनी यात्रा में बिताए। द लॉर्ड ऑफ 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 1271 वाज 41 व्हेन ही रिटर्न्ड। जो लड़का 17 साल की उम्र में घर से गया था 1271 में, वह 41 वर्ष का होकर वापस आया। द स्टोरी इज टोल्ड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम। तो ये कहा जाता है कि जब पोलोज वेनिस में गए तो किसी ने उनको नहीं पहचाना। सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू डिनर वन नाइट। तो इसलिए उन्होंने अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को एक रात भोजन पर इन्वाइट किया। द पोलोज वर वियरिंग द रफ रेड क्लोथ दे हैड बोर्न ऑन द जर्नी। तो पोलोज ने वही खुरदरे कपड़े पहन रखे थे जो उन्होंने यात्रा के दौरान पहने थे। वेन द गेस्ट वर ऑल प्रेजेंट द पोलोज टोर ऑफ द सीम्स ऑफ देयर क्लोथ। जब सारे गेस्ट आ गए, सारे मेहमान वहां पहुंच गए, तो पोलोज ने अपने जो क्लोथ्स हैं उनको उधेड़ दिया या उनको निकाल दिया। प्रीशियस स्टोन्स एंड ज्वेल्स फ्लू लाइनिंग ऑफ द क्लोथ्स बिफोर द एस्टोनिश्ड आईज ऑफ द गेस्ट। जब उन्होंने अपने वो खुरदरे कपड़े निकाले तो उसके अंदर से जो मेहमानों की हैरान आंखों के आगे बहुत कीमती हीरे जवाहरात से जड़े हुए कपड़े दिखाई देने लगे। Then they believed the wonders of the Polo's journey and welcomed them back home. तब उन सभी गेस्ट को पोलोज की जर्नी की आश्चर्य के बारे में विश्वास हुआ और उन्होंने उनकी घर वापसी पर स्वागत किया। बट मार्को पोलोज एडवेंचर्स वर नॉट येट ओवर। लेकिन मार्को पोलो के जो एडवेंचर है वो अभी खत्म नहीं हुए थे। ही हैड टू फेस इयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल। अभी तो उसको और भी मुश्किलों का सामना करना था। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनोआ। जिनोआ और वेनिस के बीच में युद्ध छिड़ गया। मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप्स वाज टेकन प्रिजनर। तो मार्को पोलो जो अपने एक व्यापारिक जहाज पे सेल कर रहा था उसको बंदी बना लिया गया। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स बट ही डिड नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसको 3 साल जेल में रखा गया लेकिन उसने अपना समय बर्बाद नहीं किया। ही कॉल्ड फॉर द नोट्स ही हैड मेड ऑन हिज जर्नी एंड डिक्टेटेड अ बुक टू अ फेलो प्रिजनर। उसने अपने वो सारे नोट्स जो उसने अपनी यात्रा के दौरान बनाए थे उनको मंगवाया और एक बुक तैयार की। व्हेन पीस वाज मेड आफ्टर 3 ईयर्स ही वाज अलाउड टू गो होम। जब 3 साल बाद शांति स्थापित हुई तो उसको घर जाने की अनुमति मिल गई। मार्को पोलोस बुक बिकेम वेरी फेमस। तो उस समय मार्को पोलो की जो बुक है वो बहुत प्रसिद्ध हुई। He had written not so much about his own adventures as about things, places and people he had seen. तो मार्को पोलो ने अपनी इस बुक में अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखा बल्कि उसने उन चीजों के बारे में लिखा जिन जगहों पर वो गया, जिन लोगों से वो मिला, जो उसने चीजें देखी। Among other places he had written about Japan.
और कुछ जगह पर उसने जापान के बारे में लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हर्ड ऑफ जापान बिफोर, नो वन इवन न्यू दैट इट एग्जिस्टेड। तो उस समय जापान के बारे में कोई नहीं जानता था, यूरोप में किसी को नहीं पता था कि ऐसे किसी कंट्री का भी अस्तित्व है। मार्को पोलो इज सपोज्ड टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो को एशिया की तरफ यात्रा करने वाला पहला यूरोपियन माना जाता है। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज। यूरोप में रहने वाले लोगों को उस समय पूर्व के देशों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन। तो अब उनको मार्को पोलो द्वारा लिखी गई बातों पर विश्वास करना भी मुश्किल लगता था। फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, और कई शताब्दियों तक इस बुक को झूठ का पिटारा माना गया। इट वॉज ओनली इन 19th सेंचुरी दैट द फैक्ट्स वर वेरीफाइड बाय ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स एंड फाउंड जनरली टू बी ट्रू। फिर 19वीं शताब्दी में जाकर यात्रियों और विद्वानों द्वारा ये पता लगाया गया कि जो फैक्ट्स बुक में लिखे गए हैं वो ज्यादातर सही है, सच है। वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को हैड ओनली हर्ड, दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट। और इनमें से कुछ चीजें ऐसी थी जो मार्को ने सिर्फ सुनी थी, इसलिए ये सारी चीजें सही नहीं थी। मार्कोस बुक फायर्ड पीपल्स फैंसी, मैन हु वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर बिगेन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून। तो जो मार्को की ये बुक थी, इसने लोगों की कल्पनाओं को और प्रज्वलित कर दिया और ज्यादा उनको उत्साहित कर दिया। जो लोग एडवेंचर पसंद करते थे वो ये सपने देखने लगे कि वो भी कभी भारत और चाइना में जाएंगे और अपना भाग्य बना लेंगे। मीन्स कि मार्को पोलो की जो एडवेंचर है वो पढ़ पढ़ के लोगों को लगने लगा कि हम भी कभी वहां पे जाएंगे और हम भी खूब पैसा कमाएंगे, बहुत रिच हो जाएंगे। इस तरह उसके एडवेंचर्स को देख देख के लोगों में एक उत्साह जागने लगा। तो ये थे मार्को पोलो। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।